इधर सीएम भूपेश बघेल ने बयान दिया है। राजस्थान को कोल ब्लॉक आवंटन के डायवर्जन की अनुमति पर भूपेश बघेल ने कहा कि अभी अंतिम अनुमति नहीं दी गई है, नियम और शर्तों के साथ उत्खनन की अंतिम अनुमति दी जाएगी, अभी सारी चीजें प्रक्रियाधीन है। बता दें कि सीएम भूपेश बघेल ने यह बात कही है। उनका कहना है कि जो वहां रहने वाले हमारे आदिवासी हैं उनके लिए भी सोचा जाएगा और आदिवासी के हितों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा, अभी अंतिम अनुमति नहीं दी गई है। किया है उसका नियमों का पालन किया जाएगा और हमारे, पहले भी मैंने कहा कि हमारे पर्यावरण के प्रति और वहाँ जो निवास कर रहे हैं लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, उसके उसके हितों में कोई समझौता नहीं होगा, लेकिन जो अनुमति मिलती है तो नियमानुसार मिलेगी। तो बता दें कि राजस्थान को कोल ब्लॉक आवंटन के डायवर्जन की अनुमति पर सीएम भूपेश बघेल ने बयान दिया है। बता दें कि कुछ दिनों पहले राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत पहुंचे थे, जिन्होंने बातचीत करी थी सीएम भूपेश बघेल से। दोनों के बीच बातचीत हुई और अपनी समस्या गहलोत ने बताई थी, जिसके बाद कल तक खबरें यही थी कि स्वीकृति मिल चुकी है, लेकिन आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह बात कही है कि राजस्थान को कोल ब्लॉक आवंटन पर अभी अंतिम अनुमति नहीं दी है, जो वहां रहने वाले हमारे आदिवासी हैं, आदिवासियों के हितों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा, जिसके लिए लगातार चिंतन जारी है, अंतिम फैसला भी नहीं लिया गया है। तो बता दें, नियम और शर्तों के साथ उत्खनन की अंतिम अनुमति दी जाएगी, ये बात मुख्यमंत्री बघेल ने कही है। तो सीएम भूपेश बघेल और राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के बीच मुलाकात हुई थी, दोनों ने आपसी बातचीत करी थी। गहलोत ने राजस्थान में चल रही कोल के संकट के बारे में अवगत कराया था, जिसके बाद दोनों के बीच स्वीकृति किसी एक पॉइंट पर बन गई थी। ये बात कल तक सामने थी, लेकिन आज सीएम भूपेश बघेल ने यह बात कही है। अपने बयान में उन्होंने कहा कि अभी अंतिम अनुमति नहीं दी गई, अभी सारी चीजें प्रक्रियाधीन है। तो हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मोहन तिवारी लाइव जुड़ गए हैं रायपुर से, उनका रुख कर लेते हैं। मोहन, आपसे समझना चाहेंगे, जब दोनों के बीच मुलाकात हुई थी, मैं बात कर रही हूं राजस्थान के सीएम और छत्तीसगढ़ के सीएम के बीच, जब कोल आवंटन को लेकर मुलाकात हुई थी तो कहा जा रहा था कि एक बात पर दोनों की स्वीकृति हो गई है, लेकिन अब सीएम भूपेश बघेल ये बयान दे रहे हैं कि अभी सारी चीजें प्रक्रियाधीन है, अंतिम अनुमति अभी नहीं दी गई है, इस पर क्या कुछ समझे हम? दिए जाने का एक वर्ग विशेष के द्वारा, आदिवासी संगठनों के द्वारा विरोध किया जा रहा है, और इसीलिए सरकार हर चीज को, हर परिस्थितियों को और वहाँ जो आंदोलनरत लोग हैं उनके हितों को देखकर ही कोई फैसला करना चाहती थी, और यही वजह है कि जल्दबाजी में कोई फैसला छत्तीसगढ़ के द्वारा ना लिया जाए, इसी वजह से ये जो डील है वो लगातार डिले हो रही थी। लेकिन इसको लेकर आलाकमान की ओर से भी दबाव था, राजस्थान बार बार ये मांग कर रहा था कि अगर ऐसी परिस्थितियां बनी रही तो छत्तीसगढ़ अगर कोल नहीं देगा तो राजस्थान में बिजली का संकट पैदा हो जाएगा, और इसीलिए सारे दबावों के बाद जब दोनों मुख्यमंत्री मिले तो इस बात पर सहमति बनी कि छत्तीसगढ़ कोल ब्लॉक देने के लिए सहमत तो है, लेकिन जो वहाँ के लोग हैं उनके हितों की अनदेखी नहीं होनी चाहिए, और जो कोल उत्खनन के लिए जो नियम बनाए गए हैं केंद्र सरकार के द्वारा, खासतौर पर पर्यावरण सुरक्षा को लेकर, उसमें बिल्कुल भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो छत्तीसगढ़ ने अपनी ओर से सहमति तो दे दी है, लेकिन अंतिम जो प्रक्रिया है वो उत्खनन के वक्त वहाँ के स्थानीय प्रशासन के ऊपर निर्भर करती है, यानी जिला प्रशासन और वहाँ के जो DFO होते हैं, वन मंडल अधिकारी, उनकी निगरानी में ही उत्खनन किया जाएगा। उसके लिए नियम बने हुए हैं कि जंगलों को नहीं काटा जाएगा, जंगलों में से रास्ते बनाए जाएंगे आवाजाही के लिए, यानी जब उत्खनन पहाड़ों से कोयले का किया जाएगा तो कई बार देखा जाता है कि रोड बनाने के नाम पर कई वनों को काट दिया जाता है, जो जल संरचनाएं होती है उन्हें काट दिया जाता है, तो ऐसे कदम ना उठाए जाएं, इसलिए नियमों का सख्ती से पालन हो, ये छत्तीसगढ़ का स्टैंड था। लेकिन सहमति के बाद ये बातें लगातार लोगों के बीच आ रही थी कि छत्तीसगढ़ पूरी तरीके से सहमत हो गया है, तो उसका जवाब आज मुख्यमंत्री ने दिया है और बताने की कोशिश की है कि छत्तीसगढ़ ने सहमति तो जरूर दे दी है, लेकिन ये सारी चीज़ें प्रक्रियाधीन हैं और नियमों के सख्ती से पालन के बाद ही उत्खनन किया जाएगा। तो बार बार छत्तीसगढ़ इस बात को दोहरा रहा है
कि नियमों का पालन होना चाहिए और नियमों के पालन के साथ ही इन दोनों कोल ब्लॉकों में जिसमें वन क्षेत्र भी आते हैं वहां उत्खनन करने की अनुमति दी गई है। जी मोहन, एक बात ये भी सामने आई थी कि जब ट्वीट किया था अशोक गहलोत ने तो उन्होंने ये कहा था कि अनुमति मिल चुकी है और उन्होंने धन्यवाद भी दिया था सीएम भूपेश बघेल का, लेकिन अब जब सीएम ने ये बात कही है कि अभी सभी प्रक्रियाधीन है, सारा काम जो भी है इस पूरे मुद्दे पर ये प्रक्रियाधीन है, यानी कि जो कहा जा रहा है कि कलेक्टर और डीएफओ की ही मौजूदगी में उत्खनन होगा, वो बात भी अभी पूरी तरह से क्लियर हम नहीं कह सकते हैं। चलिए, लगता है मोहन से संपर्क हमारा टूट गया है। धन्यवाद मोहन तमाम बातचीत के लिए। तो पारसा ईस्ट कांटा बॉसन कोल ब्लॉक के लिए द्वितीय चरण में अनुमति मिली थी और कल ही ट्वीट के माध्यम से राजस्थान के सीएम ने यह बात लिखी थी, लेकिन आज सीएम भूपेश बघेल ने जब बयान दिया तो उन्होंने ये बात साफ कह दी है कि वहां रहने वाले आदिवासी के हितों से कोई समझौता नहीं होगा, जो वहां रहने वाले हमारे आदिवासी हैं उनके हितों के साथ समझौता हम नहीं करेंगे, ऐसे में नियम और शर्तों के साथ ही उत्खनन की अंतिम अनुमति दी जाएगी जो अभी तक नहीं दी गई है।